जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामने शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स के लेक्चर 9 को देखेंगे और यह न्यू बैच के लिए लेक्चर है और हम आपको आज से प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। और इस क्वेश्चन को हम शुरू करें इसके पहले हम आपको बता दें कि महामने शूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th, 10th, 11th, 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ये सभी बैच जो है यहाँ प्रारंभ हो गए हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं ये सब वाराणसी के जाने माने विशेषज्ञ हैं और यहाँ हर सब्जेक्ट के क्लास चलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, सब सब्जेक्ट के विशेषज्ञों द्वारा क्लास लिए जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग अतिशीघ्र यहाँ एडमिशन ले लें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.3। देखें, प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो देखें, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको विरोधोक्त विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है। और विरोधोक्त विधि का मतलब होता है कि प्रश्न में जो दिया होता है उसका हम विपरीत मान लेते हैं और विपरीत मान करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके बाद लास्ट में हम कह देते हैं कि हमारे द्वारा माना गया जो कथन था वो कथन गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न में जो दिया हुआ है वो सत्य है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसके विपरीत अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसका प्रूफ देख रहे हैं। और इसके प्रूफ में देखा जाएगा कि माना या लिख देंगे कि कथन के विपरीत हमने माना कि, लिखा जाएगा कि कथन के विपरीत, कथन के विपरीत माना, प्रश्न में जो दिया है उसके विपरीत हम लोग मानेंगे। कथन के विपरीत माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग मान लेंगे। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से यह a/b या p/q या r/s के रूप में होगा। तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम मान लेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं, पुनः यहाँ मान लिया जाएगा कि पुनः माना सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, पुनः हमने माना कि सह अभाज्य संख्याएं a और b हैं, सह अभाज्य संख्याएं a एवं b हैं। तो अगर सह अभाज्य संख्याएं a और b हैं और इसको हमने यानी 3 + 2√5 को हमने परिमेय माना है, तो ये परिमेय माना है तो a/b के रूप में हो जाएगा क्योंकि हमने a और b माना है। तो फिर यहाँ लिख दिया जाएगा कि 3 + 2√5 = a/b हो जाएगा। अब इसके बाद 3 को हम राइट साइड में लेकर के चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2√5 = a/b - 3 हो जाएगा। और फिर देखें क्या मिलेगा, यहाँ से
टू रूट फाइव इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस थ्री बी बाई बी हो जाएगा। और फिर देखिए इस 2 को भी हम राइट में लेके चले जाएं तो यह 2 यहाँ आ जाएगा। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पर a और b का मान हम कुछ भी रखें, अगर a और b, सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझा रहे हैं कि अगर a के जगह पे हम 9 मान लेते हैं और b के जगह पे हम 2 मान लेते हैं, सपोज कीजिए, तो अब यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू हम निकालें a माइनस थ्री बी अपॉन टू बी, तो a के जगह पे 9 हो जाएगा और माइनस ये है 3 और b की वैल्यू, चलिए b की वैल्यू हम 2 न मान करके 1 मान लेते हैं, b की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 2, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 9 और माइनस 3, देखिए 9 माइनस 3, अच्छा अगर 2 भी मानते तो कुछ गड़बड़ नहीं होता यहाँ से, अगर 2 भी हम मान लेते तो अगर यहाँ से देखें 9 माइनस 3 टू जा 6 और अपान हो जाएगा 2, तो 9 में से अगर हम 6 माइनस कर लेंगे तो 9 में से 6 माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पर b के जगह पे 2 रखा गया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 और फिर नीचे हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3/4 जो मिल रहा है वह एक परिमेय संख्या है। तो ये हमने एग्जाम्पल लेकर के आपको इसलिए हमने समझाया है कि यहाँ पर अगर a और b के जगह पर हम कोई भी मान रखेंगे, अगर a और b के स्थान पर हम कोई भी संख्या रखेंगे तो a माइनस थ्री बी अपान टू बी की जो वैल्यू आएगी वह एक परिमेय संख्या आएगी, यानी यह एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, a माइनस थ्री बी अपान टू बी एक परिमेय संख्या है क्योंकि a और b पूर्णांक है, तो लिखा जाएगा चूंकि a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं इसलिए ये a माइनस थ्री बी अपान टू बी ये जो होगा यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अभी हमने उदाहरण दे करके बताया आपको, a और b का मान आप कुछ भी रख लें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जरा ध्यानपूर्वक आपको ये देखना है कि अगर a माइनस थ्री बी अपान टू बी, यहाँ 2 है, a माइनस थ्री बी अपान टू बी अगर परिमेय संख्या है, तो अगर ये परिमेय संख्या है और ये रूट फाइव के बराबर है तब तो रूट फाइव को भी परिमेय संख्या होना चाहिए क्योंकि यह इसके बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब देखिए हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि रूट फाइव परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो जब हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, ये दोनों आपस में बराबर है, रूट फाइव और a माइनस थ्री बी अपान टू बी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं और राइट साइड आ रहा है परिमेय संख्या और लेफ्ट हमको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि रूट फाइव जो है एक अपरिमेय संख्या है,
तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कथन का विरोधाभास हो रहा है। कथन का विरोधाभास का मतलब, हमने जो माना था कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, इस कथन का यहाँ विरोधाभास हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो लिखा जाएगा कि इससे इस तथ्य या इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ लिखा जाएगा परंतु इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है किसका, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग तो सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर तो हमको कहना पड़ रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 इसके बराबर है। तो विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक आप समझें, यहाँ पर हम एक जगह कह रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, और हम लोग पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि √5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार जो है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे द्वारा जो माना गया था, हमारे द्वारा माना गया कथन ही गलत था। तो अगर हमारे द्वारा माना गया कथन गलत था, इसका मतलब कि प्रश्न में जो दिया गया था वो सत्य था। तो फिर कह देंगे कि प्रश्न में दिया गया कथन सत्य है, और इस प्रकार प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ लिख देंगे कि यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। गलत कल्पना, और कल्पना क्या थी, हम लोगों ने क्या माना था कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या थी, यही परिकल्पना हम लोगों की गलत थी। तो फिर यहाँ लिख देंगे कि यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, के कारण प्राप्त होता है कि 3+2√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये जो कथन था, ये जो हम लोगों ने माना था, यही गलत था। तो अब कह दिया जाएगा कि अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं लास्ट में, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहाँ लिखा जाएगा कि अतः हम इस निष्कर्ष, ठीक ना, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। और यहाँ लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार आप हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा कि जब भी इस प्रश्नावली या आपके एग्जाम में जब भी सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा कि कोई संख्या अपरिमेय है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा हम विरोधोक्ति मेथड, विरोधोक्ति विधि या विपरीत विधि या विरोधाभास विधि अप्लाई करेंगे, और उसका विपरीत मान लिया करेंगे। ये कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रख के रहिएगा
कि कथन के विपरीत हम मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है तो a बटे b के रूप में होगा और जब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। तो इस प्रकार अगर a माइनस 3b अपान 2b को हम सॉल्व करें तो ये परिमेय संख्या मिलेगी। तो अगर ये परिमेय संख्या है लेकिन हमको पहले से ही पता है कि रूट फाइव अपरिमेय है तो ऐसा नहीं हो सकता कि परिमेय जो है अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास माने दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं और दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने जो कल्पना किया था वो हमारा कल्पना ही गलत था। और अगर हमारी कल्पना गलत थी इसका मतलब कि प्रश्न में जो कथन दिया गया था वो कथन सत्य था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोगों को क्लियर हो गया। yes, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है वैसे ही इसका सेकंड पार्ट सॉल्व होगा और थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 जिसको अभी हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड पार्ट दोनों एक जैसे हैं। तो ये एक जैसे सॉल्व होंगे। फर्स्ट और सेकंड जो है एक जैसे हैं। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ भी विपरीत जो विपरीत विधि है केवल इस प्रश्नावली में यह विरोधोक्ति मेथड अप्लाई होगी। या अगर कोई भी क्वेश्चन जिसमें सिद्ध करना होगा कि यह अपरिमेय संख्या है तो वह क्वेश्चन विरोधोक्ति विधि के द्वारा ही सिद्ध होगा, किसी अन्य विधि के द्वारा सिद्ध नहीं होगा। तो चलिए फिर यहाँ भी हम कहेंगे, अब यहाँ पे हम लोग सत्यापन करेंगे या इसको प्रूफ लिख सकते हैं। सत्यापन तो लिखा जाएगा कथन के विपरीत। कथन माने प्रश्न में जो दिया गया है, प्रश्न में जो बात कही गई है वही कथन है। तो कथन के विपरीत, कथन के विपरीत माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लिख दिया जाएगा एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो a बटा b के रूप में होगा। तो लिख देंगे कि माना पुनः माना a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो लिखा जा सकता है कि यदि a एवं बी सह अभाज्य हों, सह अभाज्य हों तो 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा ए बाई बी। 1/√2 इक्वल टू ए बाई बी। अच्छा एक बात और ध्यान में रखे रहिए, अगर हम ए बाई बी कहें तो सपोज कीजिए a बाई बी के जगह पे 2/3 है सपोज कीजिए, और अगर इसका हम रिवर्स कर दें तो b बाई ए हो जाएगा यानी 3/2 हो जाएगा। तो अगर हम a बाई बी कहेंगे तो भी यह परिमेय संख्या है और अगर b बाई ए कर देंगे तो भी परिमेय संख्या है। तो इसको आप याद रखे रहिएगा, 3/2 कह दें चाहे 2/3 कह दें, 3/7 कह दें चाहे 7/3 कह दें, ये परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब यहाँ पर a बाई बी जो है परिमेय संख्या है। अब अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम कर दिए, व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर में, हर को अंश में कन्वर्ट कर दिए, तो ये 1/√2 तो रूट टू हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बी बाई ए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि बी बाई ए आप यहां लिख सकते हैं कि चूंकि
ए और बी जो है, देखिए ए और बी पूर्णांक है, चूंकि ए एवं बी यहां लिखा जाएगा, चूंकि ए एवं बी पूर्णांक है अतः बी बाई ए परिमेय संख्या होगी, लिखा जाएगा अतः बी बाई ए परिमेय संख्या होगी। अब अगर b बाई ए परिमेय संख्या है तो b बाई ए के ही तो इक्वल रूट टू है। अगर b बाई ए परिमेय संख्या है तो रूट टू भी परिमेय संख्या हो जाना चाहिए। तो अब लिख देंगे कि अतः रूट टू परिमेय संख्या होगी। अब आप ध्यान दीजिए, तो b बाई ए परिमेय संख्या है और b बाई ए रूट टू के बराबर है, तो रूट टू भी परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग तो सिद्ध कर चुके हैं कि रूट टू परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लिखेंगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है क्या कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है तो मतलब क्या, b बाई ए परिमेय है तो रूट टू परिमेय होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि रूट टू अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर प्रश्न में हमने जो माना था उसी कथन का विरोध हो रहा है। तो अगर उसी कथन का विरोध हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्वारा जो कथन माना गया था वह कथन गलत था। तो हमारे द्वारा माना गया कथन गलत था तो प्रश्न में जो दिया गया था वही सत्य था। तो अब लिख दिया जाएगा कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होता है। और ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सबको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है? Yes, हाँ, इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार करिएगा। अच्छी तरह से तैयार करेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन श्योर आएगा, हमारी गारंटी है बोर्ड के एग्जाम में। और आपको मालूम है ना कि 30% जो सिलेबस निकाला गया था, कम किया गया था, वह खत्म कर दिया गया। अब आपको 100% पढ़ना है और पूरे बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। चलिए सेकंड पार्ट को भी थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। तो देखा जाए, इस सेकंड पार्ट को भी हम यहीं से इसको सॉल्व कर देते हैं। और सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 7√5 अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है।
तो 7√5 अपरिमेय संख्या है, तो वही काम करेंगे हम लोग कि कथन के विपरीत माना कि 7√5 परिमेय संख्या है, और अगर 7√5 परिमेय संख्या है और यदि ए तथा बी सह अभाज्य हो तो 7√5 ए बाई बी के इक्वल होगा, और अगर हम 7 को भी राइट में लेकर के चले जाएं तो फिर क्या होगा, √5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7 भी हो जाएगा। और फिर यहाँ हम कह सकते हैं कि ए एवं बी पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, अतः ध्यान दीजिए अगर ए और बी के हम स्थान पे कुछ भी रखें, मान लीजिए ए के जगह पे हम 2 रख लेते हैं और बी के जगह पे 1 कर देते हैं, तो ये 2/7 हो जाएगा, और 2/7 जो होगा यह एक परिमेय संख्या होगी। तो अब यहाँ पर ए और बी पूर्णांक हैं, अतः ए अपान 7 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। देखिए ए अपान 7 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब सुन लीजिए, अगर ए अपान 7 भी परिमेय संख्या है तो यह √5 के बराबर है, तब तो √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो फिर यहाँ हम कह देंगे अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, √5 भी परिमेय संख्या होगी। और अब समझ लीजिए √5 परिमेय संख्या अगर होगी तो इससे तो हमारे कथन का विरोधाभास होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो लिखा जाएगा परंतु इससे, इस कथन या तथ्य कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखा आपने कि a अपान 7 भी परिमेय है तो √5 भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि √5 परिमेय नहीं बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय संख्या है तो हम इस कथन या इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अतः निष्कर्ष प्राप्त होता है, अतः निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। और फिर यहाँ हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार जो है ये इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व होता है, और इसके थर्ड पार्ट को जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया गया है बिल्कुल वैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा। और आप सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर।
हाँ, सब अच्छी तरह से तैयार कीजिए और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार करें। और दूसरी चीज कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आप हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ बन जाएं, क्योंकि यहाँ पर केवल मैथ और फिजिक्स का ही वीडियो अपलोड होता है, इंग्लिश का वीडियो अपलोड होता है, हर सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड नहीं होता है। और हर सब्जेक्ट के पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब वाराणसी के जाने माने विशेषज्ञ हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट आपका बढ़िया से तैयार हो और बोर्ड के एग्जाम में आपका बहुत बढ़िया नंबर आए, तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि 9, 10, 11, 12 साइंस, आर्ट, कॉमर्स, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए तत्काल आप एडमिशन ले लें। और दूसरी चीज ये कि वीडियो को लाइक भी कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.